नमस्कार, मेरा नाम कुशाग्रह है, उम्र 7 वर्ष। मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, राजा शिवी और बास की कहानी। राजा शिवी एक बहुत महान राजा थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। एक कबूतर आया और राजा की गोद में आकर गिरा और बोला, त्राहि माम राजन, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, वह मुझे मार डालेगा। राजन बोले, डरो मत पक्षी, तुम मेरी शरण में आए हो, तुम्हें किसी का डर नहीं। तभी अचानक कबूतर का पीछा करते करते बाज वहां पहुंचा और बोला, राजन तुम्हें मेरा भोजन छीनने का कोई अधिकार नहीं। राजन बोले, ये पक्षी मेरी शरण में आया है, तुम इसकी जगह कुछ और मांग लो। बॉस तुरंत बोला, तो ठीक है, जितना वजन इस कबूतर का है उतना ही तुम अपना मांस काट कर मुझे दे दो। राजन उठे और वैसा ही किया, अपनी बाजू का मांस काट कर एक पलड़े में डाल दिया और दूसरी तरफ कबूतर को बिठा दिया। पर यह क्या, कबूतर वाला पलड़ा भारी था। फिर राजन ने अपनी जौं का मांस काट कर रखा, पर यह क्या, अभी भी कबूतर वाला पलड़ा भारी था। फिर राजन स्वयं ही बैठ गए, तब दोनों पलड़े बराबर हुए। राजा ने बास को कहा, अब तुम मुझे खा सकते हो। राजा के ऐसा कहने पर ही बास और कबूतर अग्निदेव और इंद्रदेव के रूप में परिवर्तित हो गए और बोले, राजन केवल हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे। राजन आप महान है, आपका नाम जब तक बोला जाएगा जब तक ये संसार रहेगा। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म।